Right. Indian do not as a rule approve of animals as household pets. जैसा कि भारत में रूल है, नियम है, उसके अनुसार आप किसी भी जानवर को हाउसहोल्ड एनिमल के रूप में नहीं रख सकते, नहीं मंजूरी दे सकते. इट इज रिमार्केबल दैट इन स्पाइट ऑफ देयर जनरल फिलोसॉफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम. राइट. यह उल्लेखनीय है कि भारत में जो हमारा फिलोसॉफी है, जो हमारा दर्शन है, वह नॉन वायलेंस का है, अहिंसा का है एनिमल के प्रति. उसके बावजूद भी वो लोग अक्सर देखते हैं अकेले घुमा करते हैं और उनके प्रति हम केयरलेस रहते हैं और निर्दयी रहते हैं. इवन द काउ, राइट, इवन द काउ, यहां तक कि गाय भी, दैट फेवर्ड एनिमल्स, जो कि हमारा पसंदीदा जानवर है, दो लुक्ड अप टू एन ऑलमोस्ट वर्शिप बाय मेनी हिंदू एंड ऑफन द काउज ऑफ रायस इज नॉट ट्रीटेड काइंडली. हालांकि काफी लोग, ऑलमोस्ट मतलब काफी लोग इनकी पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में हिंदू लोग इनकी पूजा भी करते हैं और कभी कभी इनको लेकर दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति काइंड नहीं होते हैं, उनको दयालु दया कभी कभी नहीं करते उनके ऊपर. वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर. कहते हैं कि जो पूजा करना है और एक दयालु होना है, दोनों एक साथ नहीं चलते, एक जैसा नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल्स एज सिंबल ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर. राइट. बताते हैं कि अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग जानवरों को अडॉप्ट किया है, माना है अपने एम्बिशन के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति उनको माना है. जैसे द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ईगल है. राइट. और जर्मनी का भी द लायन एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड, तो लायन है और बुलडॉग एनिमल है, वो इंग्लैंड का प्रतीक है. द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, जो फाइटिंग कॉक है वो फ्रांस का है. द बियर ऑफ ओल्ड रशिया, और जो बियर है वो रशिया का है. हाउ फार डू दिस पैट्रॉन्स एनिमल मोल्ड नेशन कैरेक्टर. राइट. ये कहाँ तक ये जो जानवर हैं, राष्ट्रीय जानवर हैं, वो देश को उस तरह की बनाते हैं, उस देश को उस तरह को उस तरह की मोड पे ले जाते हैं, उस तरह से मोल्ड करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर अग्रेसिव, उसमें से काफी तो हैं जो अनफ्रेंडली हैं, अग्रेसिव हैं, फाइटिंग एनिमल हैं, लड़ने वाले जानवर हैं. बीट्स ऑफ प्रे हैं, कुछ जानवर, कुछ शिकार के जानवर हैं. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल हु ग्रो अप विद दीज एग्जाम्पल्स बिफोर दे शुड मोल्ड देयर सेल्फ कॉन्शियसली आफ्टर देम and a strike of aggressive attitude and roar and prey on other. Right. बताते हैं कि right. इसमें से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नहीं होती कि जो लोग इस छवि नेचर के साथ पलते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, उनकी प्रकृति, उनकी नेचर, स्वभाव भी उसी तरह के बन जाते हैं और वे दूसरे लोग की अपना शिकार मानने लगते हैं. राइट. नोर इज इट सरप्राइजिंग दैट द हिंदू शुड बी माइल्ड एंड नॉन वायलेंट फॉर हिज पैट्रोन एनिमल इज द काउ.
राइट, नहीं कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू हैं उनको दयालु होना चाहिए, राइट, और उनको अपने जो पेट्रोन एनिमल हैं, जो काउ है उसके प्रति उनको अहिंसक होना चाहिए, जो इंडियन है, जो हिंदू, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर, आई बिलीव गाइस इट वाज रियली अ वेरी लॉन्ग, काफी पेजेस थे, सो टोटल आई हैड टू गो थ्रू अराउंड 9 पेज, सो आई विल अप्रिशिएट यू, लाइक यू आर आस्किंग मी फॉर पेजेस, यू आर वॉचिंग, यू आर सब्सक्राइबिंग, सो इफ आई विल बी रिसीविंग सच रिस्पॉन्स, देन आई विल डेफिनेटली बी ट्रांसलेटिंग और नरेटिंग ऑल दोज पेजेस दैट दिस बुक हैज। सो अप टू नाउ वी हैव ट्रांसलेटेड 5 लेसन, सो 5 लेसन तक आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में रट के जाना इज नॉट अ गुड वे, बट जब आप समझ कर जाएंगे, व्हेन यू विल गेट टू नो लाइक व्हाट वाज द स्टोरी, जब स्टोरी माइंड में आ जाएगी तो अपने आप से बनाकर लिख भी सकते हैं आप। सो दिस इज द राइट वे टू लर्न, राइट। सो आई रियली अप्रिशिएट यू, आई विल बी ऑब्लाइज्ड कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और लेट्स सी इफ आई विल बी गेटिंग मोर रिस्पॉन्स, आई विल बी ट्रांसलेटिंग मोर एंड मोर लेशन। थैंक्स, बाय।